हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैंने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टर्म टू सिलेबस फॉर क्लास 9 सीबीएसई साइंस। जो बच्चे साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है फ्रॉम द टर्म टू सिलेबस। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप 40/40 लाना चाहते हैं तो आपके नंबर के लिए ये बहुत बूस्ट अप वीडियो होगी। सो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। जितने भी टेस्ट बाय नॉलेज आपके क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कवर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, देखिए वीडियो। सो एज यू सी द स्टूडेंट्स की ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, और खास बात ये है कि आपके मार्क्स वाइज वीडियो है, यानी कि जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का आता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही खास वीडियो होगी, ठीक है। जरूर देखिएगा, जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको नंबर दिया गया है 8535070809, ये सागर सर का नंबर है। तो अगर आपको साइंस में जो भी प्रॉब्लम आती है क्लास 9th एंड 10th, तो आप सागर सर को बता सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस चैप्टर में कौन कौन से, इस चैप्टर में आपको ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन चैप्टर, वर्क एनर्जी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और व्हाई डू वी फॉल इस चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और इनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। और देखिए इस पीडीएफ में 2 मार्क के 3 मार्क के और केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, राइट। ये पीडीएफ आपकी हेल्प करेगी इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड हेल्प इन अचीविंग द बेस्ट मार्क्स। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी साइंस को जानने में, राइट, और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। नाउ ये सब तो आपको पता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या लॉ होता है, ये सभी बच्चे अपने थ्योरी में पढ़ के आए हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है ये, राइट। क्या क्या बोल रहा है आपसे, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को खत्म किया जा सकता, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो आपस में इक्वल होता है। एज पर द एग्जाम्पल S यानी सल्फर प्लस Fe, that is FeS, तो सल्फर का मास कितना होता है 32, Fe का मास कितना होता है 56, दोनों को प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 88 ग्राम आ जाएगा, जो कि आपके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, एक दोस्त को शेयर कर देना। डिफाइन वैलेंसी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी आपकी क्या होती है बच्चों, ठीक है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये एबिलिटी है किसी भी एक एटम की जिससे इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होते हैं ताकि वो नोबल गैस अचीव कर ले। नोबल गैस कौन से होते हैं, 18 ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। जैसे कि सोडियम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो गेन और लूज करने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। बोली बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे अमोनिया है NH3, तो अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होता है 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1 एटम तो नाइट्रोजन का और 3 एटम आपके हाइड्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई बच्चों 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, Why it is not possible to see an atom with naked eye? हम अपनी आंखों से किसी भी एटम को क्यों नहीं देख सकते। सभी बच्चों को पता है एटम का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ। आपको मॉलिकुलर मास निकालने के लिए आ जाए या मोलर मास निकालने के लिए आ जाए, आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखिए सबसे पहले आपको मॉलिकुलर मास निकालना है किसका, H2O का, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। बीच में जब एलिमेंट चेंज होगा तो आएगा प्लस का साइन, तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 1, तो यानी 16+2 यानी कि वाटर का जो मॉलिकुलर मास है वो कितना आ गया 18। बोली सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा है।
ऑलराइट, अब निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे, कार्बन का मास होता है 12, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जाए 12 हो गया। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दो ऑक्सीजन, 16 टू जाए 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 यूनिट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको क्या अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने एटम्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी एटॉमिसिटी निकालनी है। एक मैं बता रहा हूँ, एक आप लोग करोगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है एक, हाइड्रोजन है 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो यानी इसकी एटॉमिसिटी बोल लो या नंबर ऑफ एटम बोल लो एक ही बात है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 5। तो आप लोग कमेंट कीजिए CaF2 के कितने होंगे, राइट। वैसे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, कोई बात नहीं, फिर भी आप करके देखिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन 6 के 6 का आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला या बोले तो केमिकल फॉर्मूला लिखना है। मैं एक का आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको सबके एग्जाम्पल में आंसर दे रखे हैं। देखो मैंने लिख रखा है सोल्यूशन बाय सेल्फ, आप सॉल्यूशन इसका खुद करके देखेंगे। एक मैं करा रहा हूँ, बाकी के वैलेंसी से आप करेंगे जरूर घर पे, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको करके भेजूंगा, ठीक है। पर नंबर निकटने चाहिए सबके, 40/40 आने चाहिए। ये मैंने प्रण लेके इस वीडियो को बनाया है कि सबके 40/40 ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में दो आपके एलिमेंट होते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम होता है Na, ऑक्सीजन होता है O, तो पहले आप दोनों के एलिमेंट लिख लें सोडियम और ऑक्सीजन, फिर इनके सिंबल लिख लें Na और O, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे कितनी होती है -2, तो सबकी वैलेंसी लिखते हैं, और वैलेंसी लिखने के बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। और ध्यान रखना सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होंगे, आपके साइन मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या बन जाएगा? Na2O, क्या बन जाएगा? Na2O, जो कि आपको पहले का आंसर दिखाई दे रहा है। ऐसे सारे बना के देखेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाकी सारे करके देखिएगा, छोड़िएगा एक भी मत। आई बेट कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे अगर सब करके जाएंगे तो। टेस्ट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया है किसने? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किने किया है? ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किने किया है? जेम्स चैडविक ने। आपको इन सबकी वैलेंसी लिखनी है, सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है +4 या -4, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, कैल्शियम की वैलेंसी +2। बोले सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आइसोटॉप्स हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो नीचे लिखे हैं वो होते हैं एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखे हैं वो होते हैं मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। देखो पहले का 12 है, दूसरे का 14 है, तो क्योंकि मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए ये आइसोटॉप हैं। और मैंने एग्जाम्पल दे दिया आइसोटॉप का, कार्बन का। अब आ जाओ आइसोबार पे। आइसोबार्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है इस बार, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इस बार मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है आपका? एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है पर मास नंबर क्या है आपका? सेम है, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा आपका आर्गन का और कैल्शियम का। देखिए ऊपर वाला मास नंबर दोनों सेम है 40-40, पर नीचे वाले का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे पहले आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो देखिए दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, तो ये हो जाएंगे आपके आइसोबार्स। बोली बात समझ में आ गई सही बच्चों को? पक्का वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस बार दो बच्चों को शेयर कर देना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव अ जीरो वैलेंसी। हीलियम, नियोन और आर्गन की जीरो वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है इनकी जो आउटरमोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, ना इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं। तो क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल पूरी की पूरी फिल्ड है, इसलिए इनकी जीरो वैलेंसी होती है, ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देने, ना इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोली बात के लिए समझ में आ रही है? आगे बढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
एन एटम हैज टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एम व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो मेंशन इट्स नेम। एक एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल एम है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। देखिए कौन सी शेल है, एम में दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एम में दो इलेक्ट्रॉन है तो K और L पूरी की पूरी पहले से ही फिल्ड होगी, K के अंदर दो होते हैं, L के अंदर आठ होते हैं, तो दो और आठ कितने हो गए 10, और M में है दो यानी दो 12, तो एटॉमिक नंबर तो हो गया भैया 12, तो वो एलिमेंट कौन सा होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और वो सभी बच्चों को पता है हमारे, वो होता है मैग्नीशियम। बोली बात क्लियर समझ में आ रही है। स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्कूलों के एग्जाम्स में, सभी स्कूल में आता है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर दो बॉडी आपस में अट्रैक्टेड हैं जो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है मासेस की, यानी मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है डिस्टेंस के या रेडियस के, यानी फॉर्मूला बन जाता है इसका F=gm1m2/r2, ठीक है, जहां पे जी क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे बेटा एक क्वेश्चन और बन जाता है, जरा ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जी और जी में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो जो ये वीडियो पूरा देखेगा वो बेनिफिट उठाएगा इन क्वेश्चंस का, राइट। तो जी और जी में क्या डिफरेंस है, तो सभी बच्चे बताएंगे जी क्या है, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 9.8 m/s², जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 m/s², और कैपिटल जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है जी और जी में क्या डिफरेंस है, अगर यूनिट में डिफरेंस है या वैल्यू में डिफरेंस है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 m/s², सभी बच्चों को याद हो रही है जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 m/s², कैपिटल जी की वैल्यू आपके सामने लिखी है स्क्रीन पे कितनी 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सभी बच्चों डिटो याद रखेंगे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, सभी बच्चों ने नोट से याद कर रखा है, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो में टाइम कम है तो एज इट इज लिख लेंगे कि मास क्या होता है, जितना मैटर आपकी बॉडी के अंदर होता है उसे मास बोलते हैं, और जो फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर जो उसे सेंटर की तरफ खींचती है उसे वेट बोलते हैं, तो वेट एक फोर्स होता है, ठीक है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है बॉडी का, वेट आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जहां पे ग्रेविटी नहीं होती वहां वेट जीरो हो जाता है, ठीक है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता पर वेट आपका जीरो हो सकता है जहां पे ग्रेविटी जीरो होती है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि वेट एक फोर्स होता है, तो वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है। तो पेपर में 3 या 4 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं, आप कोई भी याद कर लेंगे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती पर वेट हमेशा बॉडी का नीचे की तरफ को लगता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोलियो बात समझ में आ गई, कोई भी नंबर कम नहीं लाएगा। What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity क्या होती है, तो जितनी acceleration एक body पे लगती है जो उसे नीचे की तरफ को खींचती है accelerate करती है उसे बोलते हैं acceleration due to gravity, ठीक है, जिसकी value fix होती है surface के ऊपर 9.8 m/s², कितनी होती है 9.8 m/s², याद रखेंगे सभी लोग, ओके। डिफाइन 1 J/W, तो 1 J/W क्या होता है बेटा, 1 J/W यानी वर्क आपका 1 J कब होता है, जब बॉडी के ऊपर 1 J फोर्स, जब बॉडी के ऊपर आपकी 1 N की फोर्स लगती है और उसके अंदर 1 m का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपका वर्क कितना होता है 1 J। अच्छा, आप इसे पेपर में इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे 1J = 1N × 1 m, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1J = 1 N × 1 m, तो टीचर आपको पूरे नंबर देगा, लेकिन अगर आप डेफिनेशन लोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। बोली बात सही है, चलिए
अब एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, बस ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं ताकि आपकी नॉलेज को बेटर बना सकें, राइट। तो अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन है कि एक बुलक है आपकी जो क्या करती है, प्लो करती है फील्ड में, जिस पर फोर्स कितनी लग रही है, 140 न्यूटन। तो फोर्स लग रही है आपकी 140 न्यूटन, ठीक, और आपकी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 मीटर का, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा लगा देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 140 into 15 यानी कि 2100 जूल आपका आंसर आ जाता है। बच्चों टेस्ट योर नॉलेज में बच्चों ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे आप, जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन थ्योरी से कर लिए होंगे। अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिफाइन पावर, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, वॉट इज एनर्जी। तो एनर्जी आप सभी लोगों को पता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक एबिलिटी है जो वर्क को करती है, ठीक है। नेम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कितनी भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। राइट इट्स एसआई यूनिट, सबकी एसआई यूनिट फिक्स होती है। एनर्जी अगर आ रहा है किसी के लास्ट में तो सबकी एसआई यूनिट फिक्स होती है, दैट इज जूल। तो सबकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है यानी कि जूल। अब इसके बाद ये एनसीईआरटी का एग्जांपल आ रहा है आपका, ठीक है, क्या, अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर इन वॉट एंड किलोवाट। बच्चों आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क आपको दे रखा है 1000 जूल और टाइम दे रखा है आपको 10, तो 1000 को 10 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 100 वॉट। अब ये तो आंसर आ गया आपका वॉट में, अगर ये आंसर आपको किलोवाट में चाहिए तो किलोवाट में कैसे निकालोगे, इसे 1000 से डिवाइड करके। तो 100 को 1000 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0.1 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 0.1 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एक बॉडी की जिसका मास दे रखा है आपको, ठीक है, मास आपको निकालना है, मास दे नहीं रखा है आपको, मास एम बोल रखा है लेकिन आपको मास निकालना है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दे रखी है, आपको मास निकालना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है आपकी, मास निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। आपने फॉर्मूला लगाया काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 25 रखा आपने, ठीक है, वेलोसिटी की जगह आपने 5 रखा, तो 5 का स्क्वायर हो गया, आपने डिवाइड करा फॉर्मूले में लगा के, तो मास आ गया आपका 2 किलोग्राम। मास कितना आ गया बच्चों आपका, 2 किलोग्राम मास आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द 2 conditions एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो कौन कौन सी 2 कंडीशन होती है जो एसेंशियल होती है गुड हेल्थ के लिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी फॉल इल का। तो अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, हैबिट हेल्दी होनी चाहिए और आपके डिसीज फ्री होना चाहिए। तो ये सब आपकी कंडीशन होती हैं गुड हेल्थ की, ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हु डिस्कवर वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने वैक्सीन को डिस्कवर किया सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया। इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन की बॉडी को रजिस्ट करा जाता है पर्टिकुलर डिसीज के लिए, यानी आने वाले टाइम में वो उस डिसीज से क्या रहे बच्चों, प्रोटेक्टेड रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, टू इम्यूनाइज द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स नेम टू एंटीबायोटिक्स। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है, 2 एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए। तो एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है और एक टाइम में आके खत्म करता है, तो उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है बच्चों। तो एंटीबायोटिक्स क्या, कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, उनके इफेक्ट को खत्म करती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, एमोक्सिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये सब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में बहुत आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वाई डू वी फॉल इल दिस दैट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज में आपको डिफरेंस बताना है। तो एक्यूट डिसीज वो होती हैं जो शॉर्ट, जो कम समय के लिए होती हैं, और क्रॉनिक डिसीज वो होती हैं जो लंबे समय के लिए होती हैं, ठीक है, या लाइफ टाइम के लिए होती हैं, ठीक है। एक्यूट डिसीज का बहुत लंबे समय तक ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है,
ठीक है, लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ का क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। एक्यूट डिसीज़ जैसे कि आपका खांसी है, बुखार है, जुकाम है, ठीक है, आपके गले में दर्द है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके एक्यूट डिसीज़ होती हैं। क्रॉनिक डिसीज़ कौन सी होती हैं, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, ठीक है, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, आपके हड्डी यानी बोन्स डिसीज़ हैं, तो ये सब क्या होती हैं, आपकी क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं जो आपके लंबे समय तक चल सकती हैं। इसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिसीज़। तो इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ क्या होती हैं, जो जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शस डिसीज़, और जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं वो नॉन इन्फेक्शस। तो इन्फेक्शस को कॉम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शस को नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक बाहर वाले फैक्टर की वजह से होती है, ये इंट्रिंसिक अंदर वाले फैक्टर की वजह से होती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्शस, पर ये ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिसे है उसे ही होगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्शस डिसीज़ का, ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और वैक्टर के थ्रू हो सकता है, पर यहाँ पर ट्रांसमिशन आपका एक से दूसरे में नहीं होगा, ठीक है, कर पाएंगे। टेस्ट योर नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरबॉर्न डिसीज़ क्या होती है, वाटर बॉर्न डिसीज़ क्या होती है और वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या होती है। अच्छा, एयरबॉर्न डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो एयर के थ्रू फैलती हैं। वाटर बॉर्न डिसीज़ कौन सी होती है, जो गंदे पानी से फैलती हैं, जैसे कोलरा है तो वो वाटर से फैलेगा, गंदे पानी से फैलेगा, ठीक है। आपका एयरबॉर्न डिसीज़ जो हवा से फैलती है, जैसे फ्लू वगैरह है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये सब आपकी मॉस्किटो ब्रीडिंग है, तो सब आपकी हवा के थ्रू फैलती हैं, पॉल्यूशन है, ठीक। अस्थमेटिक एलर्जी है, तो ये सब आपकी एयरबॉर्न डिसीज़ होती हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो बॉडी एक जो जो डिसीज़ आपकी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है थ्रू सम वेक्टर्स। वेक्टर्स वो एजेंट्स होते हैं जो डिसीज़ को कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये आपके मलेरिया के इन्फेक्शन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके जाता है। रैबीज़ है, ठीक है, तो रैबीज़ कुत्ते से कहाँ हो जाती है, इंसान में, तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होती है, ठीक है। नेम द प्रोटोजोन डेट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। तो आपको प्रोटोजोन का नाम लिखना है जो स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार करता है, तो ये मैंने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया है। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है, ट्राइपोसोमा ब्रूसी। तो स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, आपकी ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी से होती है, और कालाजार किससे होती है, लीशमेनिया से होती है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या पूछा है इसमें, व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शस डिसीज, ठीक है। तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी ताकि आप इन्फेक्शस डिसीज को प्रोटेक्ट कर सकें। राइट अबाउट PPIP, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में स्टार्ट हुआ था ताकि पोलियो को ख़त्म किया जा सके। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिसीज, वायरल डिसीज के आपको एग्जाम्पल बताने, दैट इज कॉल्ड रेबीज, जो वायरस से फैलता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है, और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से फैलता है, तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे वायरल डिसीज के, तो आप पेपर में लिखाएंगे अगर आपके पेपर में आते हैं तो। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सभी को पता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं आपकी वीडियो में, तो आप सभी को कवर करेंगे और अपने स्टडी को मजबूत करेंगे, ठीक है। लाइक जरूर करते रहिएगा और इस बार 3 बच्चों को शेयर कीजिएगा, कितने बच्चों को, 3 बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबर ला पाएं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आपको मास निकालना है 0.2 मोल का आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है 0.2 मोल में। आज सभी को पता है कि 1 मोल में क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। पहले बताइए ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ठीक है, 16 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों, 16 ग्राम एक ऑक्सीजन का मास। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता तो O2 होता, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई पहले ही करना होता, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम है तो सिंगल ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम होगा। तो 1 मोल में 16 ग्राम, तो 0.2 मोल में कितने होंगे, 0.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ 0.45 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो पहले मैं वाटर का मास निकाल लेता हूँ। अब बहुत से बच्चों को वाटर का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो वाटर का मास हम पहले भी निकाल चुके हैं, 18 यूनिट्स होता है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। अब मैं 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 मोल में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 9 ग्राम।
कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम। अब आपको 0.72 ग्राम में निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है मास कितना होता है, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा आपका 44 ग्राम। तो 0.72 ग्राम में कितना मास आएगा, तो 0.72 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड 31.68 ग्राम आपका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। बोली कर लेंगे, चलिए अच्छी बात है। अब मैंने आपको ये टेस्ट योर नॉलेज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस जरूर करेंगे। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको निकाल के दिखाने इस वाले क्वेश्चन में। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं एक का निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी सबके आप खुद निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको लिथियम का निकाल के दिखा रहा हूँ, किसका, लिथियम का। ऊपर लिखा होता है मास नंबर, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो आप अपनी कॉपी में ए इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 7, ये होता है मास नंबर। नीचे होता है एटॉमिक नंबर जेड, जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 3। सभी बच्चों ने कॉपी में लिख लिया ए इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 3, सभी क्वेश्चन में एज इट इज करेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने हैं। ये जो नीचे एटॉमिक नंबर है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मेरे किसके इक्वल आ गए, 3 के। तो मेरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन भी 3 आ गए, प्रोटॉन भी 3 आ गए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, बच्चों न्यूट्रॉन निकालते हैं दोनों को माइनस करके, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन दोनों को माइनस करके, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे क्वेश्चन में न्यूट्रॉन कितने आ गए, 4। जैसे मैंने आपको पहला पार्ट करके दिखाया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, ऐसे आप बी सी डी अपने आप कर लेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको समझ में आई वीडियो या नहीं आई, ठीक है, क्या कमी आपको लगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हो सकता है इसके टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं, तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है क्वेश्चन का तो आप कितने भी क्वेश्चंस अपनी वीडियो में कर सकते हैं। जैसे ब्रोमीन आइटम है वो दो आइसोटॉप में मिलता है, 35Br79 और आपका 35Br81, तो बहुत स्कूलों के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे जरूर कर लीजिए। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन आइटम, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसका बच्चों, ब्रोमीन का, ठीक है। सो द अटोमिक मास ऑफ टू आइसोटॉप, जैसे आपको दिख रहा है अटोमिक मास, ठीक है, आपको पहले वाले का कितना दे रखा है, देखो 79, और दूसरे वाले का दे रखा है 81, तो मैं परसेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना मुझे परसेंट से मल्टीप्लाई करनी है और अपॉन में टोटल मास। जैसे सपोज करो पहले वाले का मास ऊपर लिखा हुआ है 79, दूसरे वाले का मास ऊपर लिखा है 81, तो उसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 79 × 49.7 प्लस 81 × 50.3 और डिवाइड में टोटल मास आ जाएगा, यानी 49 जो आपको परसेंटेज दे रखे ना, तो हमेशा डिवाइड में याद रखना परसेंटेज में 100 ही आएगा, कितना आएगा 100। आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, पहले मास की परसेंटेज से प्लस मास की परसेंटेज से और डिवाइड में आ जाएगा आपका 100, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास दोनों का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा कितना आ गया, 80.006। तो आपको ब्रोमीन की जगह किसी भी आइसोटॉप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, मास से परसेंटेज प्लस मास से परसेंटेज और डिवाइड में 100 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यूनिट्स में आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर मून आपके अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ को क्यों नहीं मुड़ पाता, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों तो वो मेरी तरफ को क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो अर्थ का मास है वो मून के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से जो अर्थ है वो मून की तरफ को अट्रैक्ट तो हो रहा है पर वो खिंच के नहीं आ रहा है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। बोलिए, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये पता लगता है कि आपके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे कैसे अट्रैक्शन दे रहे हैं, कैसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कैसे ग्रेविटी आपके कैसे ग्रेविटी की वजह से आपका वेट चेंज होता है और हम ग्राउंड के ऊपर टिक पा रहे हैं, कैसे प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स का जो मोशन है, ठीक है, सोलर सिस्टम में वो आपका प्लैनेट्स का जो मोशन है
प्लैनेट्स का जो मोशन है सोलर सिस्टम में वो आपका किस तरीके से हो रहा है, और आपका जो टाइड्स हैं, जो हाई टाइड्स हैं, जो लो टाइड्स हैं आपकी सी में, वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंस होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पेपर में पेपर के लिए कर लीजिएगा, हो सकता है आपका पेपर में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन इज रिलीज, अच्छा न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत खास न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके लिए। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आपको एक स्टोन दे रखा है जो आपके टावर तक रीच कर रहा है, जिसकी हाइट 19.6 मीटर है, आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि जब वो ग्राउंड को क्या कर जाए, रीच कर जाए। अच्छा एक चीज़ है, जब अगर मैं कोई भी चीज़ को ऊपर से छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल जीरो होगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यानी यू मेरी कितनी हो जाएगी बच्चों, यू मेरी हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है, तो वी मुझे निकालना है, हाइट मुझे गिवन है कि कितनी हाइट से आ रही है, वो 19.6 मीटर से। अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, आप जानते हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, मैं थर्ड वाली लगाऊंगा क्योंकि मेरी टाइम का कोई मतलब नहीं है, तो पहले दूसरी मेरी लगेगी नहीं, तीसरी वाली लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू जी, 9.8 इंटू एच यानी 19.6, तो मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 984.16, तो वी कितना आ जाएगा मेरा 19.6 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा 19.6 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरी हाइट भी 19.6 थी, तो मेरी वेलोसिटी भी कितनी आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस बार यू दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, जी दे रखा है -10, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे तो -10 हो जाएगा, नीचे आता तो +10 हो जाता, तो -10 लेंगे। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो फाइनल वेलोसिटी है वी जीरो हो जाएगा, तो मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लगाऊंगा, और मैं यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लूँगा बच्चों, मैं यहाँ से हाइट निकाल लूँगा, तो मेरी सॉल्व करके हाइट कितनी आ गई, 80 मीटर, कितनी आ गई, 80 मीटर। अच्छा हाइट आपकी आ गई 80 मीटर, अब आपके लिए क्या चांस है कि आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखिए बॉडी 80 मीटर गई, बॉडी का मतलब स्टोन आपका 80 मीटर गया और 80 मीटर ही वापसी आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 80 प्लस 80 यानी कि 160, तो डिस्टेंस कवर्ड तो आपका बेटा हो गया 160 मीटर। ठीक, बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। बोली सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है, पक्का सब चीजें दिखाई दे रही हैं अच्छे से, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दीपक बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। दीपक ने कुछ गोल्ड खरीदा पोल पे, ठीक है, उसने वो जो गोल्ड खरीदा वो अपने दोस्त को दिया, कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो क्या उसका फ्रेंड एग्री करता है उस गोल्ड को खरीदने के लिए या नहीं, अगर हाँ तो क्यों खरीद रहा है और ना तो क्यों नहीं खरीदेगा। क्या आपको पता है जो ग्रेविटी होती है कहाँ पे, पोल पे, वो ज़्यादा होती है इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से जो ग्रेविटी है पोल पे वो ज़्यादा होती है, पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, तो आपको पता लग गया कि पोल पे तो मास ज़्यादा होगा, यानी पोल पे वेट ज़्यादा होगा, मास तो एक्चुअली सब जगह सेम रहता है, तो पोल पे वेट सेम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सेम रहेगा, कम रहेगा, तो पोल पे वेट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, तो यानी कि जब उसने इक्वेटर पे तोला होगा तो उसे वेट क्या मिला होगा, कम मिला होगा। तो बताइए अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये की चीज़ है, अब वो दूसरी जगह जाके 5 रुपये की हो जाती है, तो क्या वो 10 रुपये में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। या अगर मैंने यहाँ चीज़ 1 किलो खरीदी है और वो दूसरी जगह जाके अगर आधा किलो हो जाती है, तो क्या वो 1 किलो में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो दीपक ने गोल्ड खरीदा था पोल पे, उसका वेट वहाँ पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, तो उसका फ्रेंड एग्री नहीं करेगा। साइंटिफिक आंसर आप अपने नोट से लिख लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे PDF पढ़िए आप, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो आप अपनी स्टडी को बेटर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 10 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन।
तो भैया वर्क निकालना है, सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है आपकी 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपकी 10 मीटर, तो 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 250 जूल आपका आंसर आ जाएगा। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज में कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्रॉइंग अ वाटर वेइंग 20 किलोग्राम फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 40 मीटर। बच्चों वर्क डन निकालना है, तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, आप लोग करेंगे खुद। ठीक है, कमेंट में आंसर लिख देना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, एम कितना है आपका, एम है आपका 20, ग्रेविटी सभी बच्चों को पता होती है कितनी है, 10। ठीक है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, मैंने 10 ले ली क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। और हाइट कितनी है, 40, तो 20 इंटू 10 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 8000, 4 × 2 = 8 और 3 तो कितना आ जाएगा मेरा 8000, तो मेरे को 8000 जूल ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी उस पानी को वेल से बाहर निकालने के लिए। बोली सही बच्चे कर पाएंगे? ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। नाउ पार्ट बी आप कर लेंगे इसी तरीके से। एक मास है आपका जिसका 10 किलोग्राम क्या है आपका मास है, वो एक पॉइंट ए पे है, अगर उसे मैंने बी पॉइंट पे मूव करा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, तो कितना वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स आपके वर्क, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसे। बच्चों क्या आपको पता है, देखो मैंने आपको वो दे रखा होगा डायग्राम, देखता हूँ, हाँ डायग्राम गिरा, तो मैंने आपको डायग्राम दे रखा है। तो देखो जैसे ये ए बॉडी है, ठीक है, इसका वेट 10, इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, या वेट बोल सकते हैं 10 किलोग्राम है। मैंने इसे सामने की तरफ को मूव किया, तो बताइए वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ को, सामने की तरफ को मूव कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो फोर्स और मोशन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब फोर्स और मोशन में एंगल 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस 90 होता है बच्चों 0। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट आपके परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल कितना, यानी थीटा कितनी डिग्री है आपका, 90। तो थीटा 90 है, तो बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना देंगे और सीधा ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि एज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या होगा बच्चों मेरा, 0। इसके बाद कुछ टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, हाउ डज HIV डैमेज अवर बॉडी। तो HIV क्या करता है, ये एड्स क्रिएट करता है हमारे बॉडी में, क्या करता है, एड्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक वायरल में क्यों नहीं काम आती, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, यानी बैक्टीरिया के इफेक्ट को कम करती है, रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है, तो वायरस पे असर नहीं करती, किस पर असर करती है, सिर्फ बैक्टीरिया पे। तो एंटी बैक्टीरियल होती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, आप इसका आंसर भी अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो टर्म 2 के सिलेबस में है वो आपको समझ में आए हैं बहुत अच्छे से, राइट। वीडियो को लाइक करके 2 बच्चों को 3 बच्चों को और आप 4 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्शन सी केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, कौन से केस बेस्ड टाइप्स हैं 4 मार्क्स के, जो आपका पार्ट सी आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कपिल एंड सचिन वर प्लेइंग विद अ बॉल। कपिल और सचिन जो हैं वो एक बॉल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, दे कंप्लीटेड, ठीक है, फाइंड आउट हु अमंग देम, उन्होंने आपस में कंपीट किया और आपको ये बताना है कि कैन कैच अ बॉल टू अ ग्रेटर हाइट, फाइंड आउट हु अमंग देम कैन थ्रो अ बॉल टू अ ग्रेटर हाइट, द अदर पर्सन टू हैड टू कैच अ बॉल। अब क्या हो रहा है कि एक को बॉल फेंकनी है और दूसरे को क्या करनी है, कैच कर, कपिल और सचिन दो बॉल के साथ खेल रहे हैं, एक को बॉल फेंकनी है और दूसरे को बॉल कैच करनी है और देखना है कि कौन ऊंची हाइट पे फेंकेगा। द अदर पर्सन हैड टू कैच द बॉल, द कपिल थ्रू द बॉल, कपिल ने जो बॉल फेंकी वो 15 मीटर तक गई और जो सचिन ने बॉल फेंकी वो 20 मीटर तक गई। सबको पता है कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। वाइल टेकिंग द कैच, जब कैच करा तो कपिल के हाथों में लग गई, वो आपको दिखाई भी दे रहा है क्यों लग गई। सचिन इमीडिएटली उसे नियर बाय हॉस्पिटल में ले गया ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु अमंग द टू मस्ट हैव थ्रो अ बॉल विद अ ग्रेटर फोर्स, तो जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई है, किसने लगाई है, जिसकी ज़्यादा हाइट पे गई है, किसकी ज़्यादा हाइट पे गई, सचिन की, तो सचिन ने ज़्यादा फोर्स लगाई, तो पहले का आंसर आ गया सचिन। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन बोथ द केसेज हाइएस्ट पॉइंट, तो हाइएस्ट पॉइंट पर जाके क्या बॉडी की वेलोसिटी होती है, नहीं होती है, वो रुक जाती है, तो हाइएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। वाई वॉज इट डिफिकल्ट
डिफिकल्ट टू फॉर कपिल टू कैच द बॉल देन सचिन। तो कपिल के लिए डिफिकल्ट क्यों था बॉल को कैच करना, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे गई है तो ज़्यादा फोर्स है। अब ज़्यादा फोर्स है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अब ज़्यादा मोमेंटम होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से कपिल के लिए डिफिकल्ट होगा कैच करने के लिए। वॉट क्वालिटीज़, अब सचिन की क्या क्वालिटी थी कि वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया? हेल्पफुलनेस, हेल्पिंग नेचर का था, फ्रेंडली नेचर का था, और गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया था, जो कि वो तुरंत कहाँ ले गया, उसे हॉस्पिटल ले गया। बोले केस स्टडी वन सबको समझ में आ गई। नाउ केस स्टडी टू, रवि एक लड़का जो कि एक गांव में रहता है और उसका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है अपने घर से। उसके पापा ने सजेस्ट किया कि उसे स्कूटी दिला दें, बट रवि ने स्कूटी ना खरीद के क्या खरीद ली, एक बाईसाइकिल खरीद ली। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हाइल ही वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल? तो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब वो बाईसाइकिल चलाएगा, इससे रवि के नेचर में आपको क्या पता लगता है? और आप ये बताइए कि इस तरीके से इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। सभी बच्चे आंसर जानते हैं तो अपनी अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे, और एक बार चाहे तो साइंटिफिक आंसर पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बहुत इजी है, आप जो भी आंसर लिखेंगे सोच समझ के, अगर वो सही आंसर है तो टीचर आपको पूरे नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ऑन अ रेलवे स्टेशन अ पैसेंजर हायर्स अ कुली टू पिक हिज लगेज। एक रेलवे स्टेशन में एक पैसेंजर ने कुली को हायर किया है ताकि वो अपने लगेज को, लोड को ट्रेन तक कैरी कर सके, ठीक है? जब कुली ने अपना काम ख़त्म किया तो उसने पैसे मांगे, बट पैसेंजर ने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तूने कोई भी काम नहीं किया। तो ऐसा पैसेंजर ने क्यों किया, और इससे पैसेंजर की कौन सी वैल्यूज़ प्रमोट नहीं होती, ध्यान रखना प्रमोट नहीं होती, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है हमारी डेली लाइफ में जिसकी वजह से हम वर्क तो करते हैं पर वो वर्क हमारा काम काउंट या काम में नहीं आता है और हम थक जाते हैं, ठीक है? तो पैसेंजर को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि तूने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो एंगल था फोर्स और मोशन में वो 90 डिग्री था। तो मैंने 90 डिग्री लगाया तो कॉस 90 की वैल्यू आ गई 0, तो वर्क भी कितना आ गया 0, वर्क भी कितना आ गया बच्चों 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है? इससे कौन सी वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दैट इज सिंपैथी एंड वैल्यू फॉर अदर वर्क, ठीक है? सिंपैथी आपकी जनरेट नहीं हो रही है क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है? अब कौन सा ऐसा काम है जिससे वर्क आपका नहीं माना जाता घर में, जब हम एक वॉल को धक्का देते हैं और हम उसे पुश नहीं कर पाते, ठीक है? हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं पर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो हमारा वर्क क्या माना जाएगा बच्चों? 0 माना जाएगा, पर काम फिर भी हो रहा है। अब टेस्ट योर नॉलेज में मैंने आपको केस स्टडी दे रखी है, आप इसे कर लेंगे अच्छे से, अपने लैंग्वेज में नहीं आती हैं तो हम आपके साथ हैं, ठीक है? व्हाइल गोइंग टू हर स्कूल, स्कूल जाते वक्त मंजू ने क्या देखा, वाटर लॉगिंग हो रही है, यानी पानी रुका हुआ है उसकी लोकेलिटी में। उसने तुरंत म्यूनसिपल ऑफिस में क्या करा, फ़ोन करा और उन्हें वाटर लॉगिंग के बारे में बताया। तो इससे मंजू क्या अवॉइड कर, वाई मंजू वांटेड टू अवॉइड, मंजू वाटर लॉगिंग को यानी पानी जमने को क्यों रोकना चाहती है, पानी जमने क्यों नहीं देना चाहती है, ये सब आपको भी पता है क्यों नहीं जमने देना चाहती है। इससे मंजू की कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? हेल्पफुलनेस, सोशल स्टेटस, ठीक है? मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, ठीक है? और एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, इस वजह से आप लोग लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में। परमित वॉज गुड वॉज कीपिंग सैड, परमित जो है वो बहुत सैड है और अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने उसके टीचर ने इंक्वायर किया तो उसने बताया कि जो उसका यंगर ब्रदर है, जो छोटा भाई है, उसकी जो नेक है वो फूल गई है, ठीक है? तो टीचर ने कुछ मेज़र बताया, कुछ तरीके बताए परमित को और कहा कि अपने भाई को कहाँ ले जाओ, सीधा डॉक्टर के पास ले जाओ। तो कौन सी डिसीज है जिससे परमित का जो छोटा भैया है वो सफ़र कर रहा है, जो सफ़र कर रहा है जिससे नेक स्वेल कर जाती है, तो इस डिसीज को बोलते हैं बेटा गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर, GOITRE, डेट इज़ गोइटर। कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से डिसीज होती है? तो हमारे अंदर आयोडीन की कमी से ये डिसीज हो जाती है। तो परमीट के टीचर की क्या क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ से? केयरफुलनेस, अवेयरनेस और एम्पैथी, कि केयरफुल है वो, अवेयरनेस है, ठीक है, उसके अंदर एम्पैथी है। सिंपैथी का अपोजिट क्या होता है? एम्पैथी, तो उसके अंदर एम्पैथी है। सो बच्चों, आई होप कि आपको टर्म 2 का सिलेबस पूरा कवर कर चुके हो आप। ये वीडियो डिट्टो आप पूरी की पूरी देख चुके हो, 14 पेज की।
आप अपने 40x40 लाने के लिए पूरा तैयार हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको सारे करा दिए हैं टर्म टू सिलेबस साइंस के। सो अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, हमारा सपना 40x40 देखने का, आपके सभी बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए। और अगर आप 10th क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सागर सर को ज्वाइन कीजिए, जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए फॉर क्लास 12th, 11th, 9th and 10th फॉर मैथ साइंस एंड कॉम्पिटिशन। गारंटेड आपके 40x40 मार्क्स, और आपके अंदर टू मच डिसिप्लिन, टू मच एनर्जी, टू मच मोटिवेशन, और आप 40x40 लाएंगे ही लाएंगे इन एनी कंडीशन। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे 21 मार्च से जिज्ञासा ऑन दिल्ली रोड एंड जिज्ञासा ऑन वेस्टर्न रोड एंड ऑनलाइन क्लासेस। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, सबके 40x40 बच्चों आने चाहिए। गुड लक।